जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मामला मडियाहू कोतवाली अंतर्गत सोईथा गांव का है, जहां घर में एक कमरे में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कमरे में सो रही माँ और उसके 2 बेटे जिंदा जल गए। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है सविता देवी अपने 9 महीने के बेटे को दूध पिला रही थी, तभी बिजली के शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से सविता और 3 साल के बड़े बेटे दिव्यांश की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूधमुहे दिग्विजय की सांसें चल रही थी। आनंद फानंद में परिजन बच्चे को लेकर मडियाहू CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद उपजिलाधिकारी कौशलेश मिश्र, CO राजेंद्र प्रसाद और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। जैसे ही हमें दूरभाष पर पता चला तो यहां आकर के हमने देखा है कि बिजली से शॉर्ट सर्किट हो गया है और यहां पर एक लेडी और उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई है। सर मुआवजा कैसे क्या होगा? 3 लोगों की बिजली शॉर्ट सर्किट से मौत का मामला बताया जा रहा है, मुआवजा लेकर क्या कहना है? तो इसके लिए अभी मैंने नायब तहसीलदार को कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है जी, तो ये अभी उसमें देख लेंगे, जांच करा लेंगे, तो उसका जो भी लाभ है वो इनको दिया जाएगा। SDM ने बताया राजस्व टीम को आदेश दे दिया गया है, जांच के बाद परिजनों को आर्थिक मदद दे दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने 3 शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।